नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा आज करनाल में अपने दौरे के दौरान मंगल कॉलोनी डेहा बस्ती में एक जनसभा को संबोधित किया गया। यह जनसभा अमित कुमार द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें प्रवीण कुमार पिन्ना, नीरज गुप्ता, पदमलाल शिबू समेत बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव के चलते सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर मेहनत करें और जनता के बीच में जाकर चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दें। उन्होंने कहा कि माहौल बिल्कुल भाजपा के पक्ष में है, परंतु सभी कार्यकर्ताओं को मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी और सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों को घर घर पहुँचाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि उन्होंने पूरे हरियाणा में बिना भेदभाव के कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा आज अपने विधानसभा क्षेत्र के लगभग 14 कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर कार्यकर्ता गदगद हो गए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम गरीब कार्यकर्ता के निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने उनका आत्मसम्मान बढ़ाया है। इस अवसर पर उन्होंने इन विधानसभा चुनाव में 75+ जीतने का लक्ष्य भी कार्यकर्ताओं के सामने रखा और मेहनत करने का आह्वान भी किया। इस मौके पर उनके साथ जिला के आला अधिकारी के अलावा ओएसडीएम नरेंद्र सिंह, समाज सेवी ब्रिज गुप्ता, मेयर रेणुबाला गुप्ता, जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं की वह आम लोगों की समस्याएं सुनी गई और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास व उद्घाटन भी किया गया। मुझे याद है कि डेहा बस्ती में कई बार कार्यक्रम उस समय हुए और आप लोगों ने उस समय पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ मुझे यहाँ से विधायक बनाया। फिर हरियाणा के सब विधायकों ने मिलकर पार्टी के आशीर्वाद से मुझे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिल गई। अब अगर मैं अकेला विधायक ही रह जाता तो फिर तो आपके पास बार बार आने का मौका मिलता, लेकिन जो कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिल गई, इसलिए पूरे प्रदेश में आने जाने के कारण से जितना मुझे आपके पास आना चाहिए था उतना तो मैं नहीं आ पाया। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के जितने भी नेता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्षद हैं, उनको सबको निर्देश था कि किसी भी कॉलोनी का कोई भी काम हो वो तुरंत करने के लिए या तो यहाँ मेयर अपना नगर निगम के माध्यम से काम है उनसे कराओ, और जो स्टेट गवर्नमेंट के कराने के काम है सारे हमको बताओ, सब हम कराएंगे। और मुझे खुशी है कि करनाल के शहर में सब बस्तियों में मिला करके लगभग 250 करोड़ रुपए का काम प्रदेश की ओर से यहाँ कराया गया। और शहर की जितनी बस्तियां, कहीं सड़क की बात थी, कहीं नाले की बात थी, कहीं पानी का विषय था, कहीं बिजली का विषय था, ये सारे काम करा दिए गए। और मैं आज भी कहता हूं कि कोई काम आपका बकाया हो वो काम आप अपने मेयर के माध्यम से या यहाँ जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से अपने मेयर के माध्यम से या अपने पार्षद के माध्यम से किसी के माध्यम से या हमारे पास भेज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।